दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए भारतीय रेलवे की दो बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे की ओर से दो न्यू नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। 10वीं पास कैंडिडेट इन दोनों भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन दोनों भर्तियों के लिए आपको कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। बिना एग्जाम के भर्ती निकली है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन दोनों भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं रेलवे की दो भर्तियों की पूरी जानकारी। जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है रेलवे ICF में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेल मंत्रालय, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, सवारी डिब्बा कारखाना ICF के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। स्पोर्ट कोटा की भर्ती है। वैकेंसीज आप नोटिफिकेशन की PDF से ही यहाँ पर स्पोर्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की 13 मार्च 2023 है। ट्रायल की डेट यहाँ पर 28 और 29 मार्च 2023 है। Level 1 के अंतर्गत सेली है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ITI पास होना चाहिए, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC होना चाहिए। तो यहाँ पर किसी एक क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर सकते हो। बात अगर यहाँ पर एज लिमिट की जाए तो 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। ऑल कैंडिडेट्स के लिए ₹500 फीस है। SC ST EX-Serviceman PWBD और फीमेल कैंडिडेट को ₹250 शुल्क जमा करना होगा। बिना एग्जाम, बिना परीक्षा के भर्ती है। ट्रायल और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। pb.icf.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर की रेलवे की भर्ती निकली है वो निकली है RCF रेलवे में, रेल कोच फैक्ट्री, RCF मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय के अंतर्गत ये भर्ती है। ACT अप्रेंटिस के लिए 550 वैकेंसीज निकली है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 4 मार्च 2023 है। सैलरी डिटेल आप अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। 10th पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 15 से 24 वर्ष है। जनरल OBC के लिए ₹100 फीस है। SST PWD या वोमेन को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती है। मेरिट के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। rcf.indianrailways.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी रेलवे की दो बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको इन दोनों भर्तियों के नोटिफिकेशन डाउनलोड करने हैं तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहीं से PDF डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्टली अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।